बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि अभी रुका हुआ है, लेकिन ये जमीन सर्वे सरकार इसीलिए करा रही है ताकि किसी भी तरीके का अब जमीनी विवाद ना देखा जाए, क्योंकि अक्सर बिहार में जमीनी विवाद देखने को मिलता है तो उससे काफ़ी परेशानी होती है। और भूमि सर्वे का काम कराने का बस एक मकसद है ताकि लोगों को इसमें कैसे सहयोग किया जाए, कैसे मदद किया जाए, ये तमाम चीज़ें भूमि सर्वे कराने का एक मकसद है। जी हाँ, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सर्वे के महत्व और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कैसे सहयोग कर काम आसान किया जा सकता है। पूर्णिया में अभियान के दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार मंडल ने प्रखंड प्रमुख जियाउल हक और उप प्रमुख ललन कुमार सिन्हा के साथ मिलकर लोगों को संबोधित किया। बैठक प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में आयोजित की गई। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सरकार जमीन सर्वे का काम करवा रही है, इस काम में जनप्रतिनिधि, जमींदारों और किसान सभी के सहयोग की जरूरत है। उन लोगों से अपील की कि वो समय पर अपने राजस्व मौजा के सर्वे अमीन को अपनी जमीन के कागजात जमा कराएं। बताया गया है कि सभी ससमय अपने राजस्व मौजा के सर्वे अमीन को अपनी जमीन का कागजात भरकर जमा कर दें, ताकि सर्वे जमीन समय पर आपके जमीन से अध्ययन करेंगे और आपके प्लांट पर पहुंचकर सर्वे कार्य को पूर्ण करेंगे। अधिकारी ने बताया है कि जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन के कागजात हैं और कोई विवाद नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर किसी ने ज़मीन खरीदी है और उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन किसी कारण से म्यूटेशन नहीं करा पाए, तो उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खरीद के कागजातों के साथ फॉर्म भरकर सर्वे अमीन को जमा करा सकते हैं। हालाँकि अधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया है कि भूदान या लाल कार्ड की ज़मीन अगर बिक गई तो उसके सर्वे नए खरीदार के नाम से नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार ने यह ज़मीन बेचने के लिए नहीं बल्कि खेती बाड़ी का जमीन यापन के लिए दी थी। अधिकारियों ने सिक्किमी रैयत के बारे में जानकारी दी है। अगर कोई सिक्किमी रहमत अपनी ज़मीन के न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर चुका है और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर दावा करता है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसे सर्वे अमीन को न्यायालय के कागजात दिखाने होंगे। तो ऐसे में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अभियान में जुट नहीं रहे हैं, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से के लिए अभियान चलाया गया है ताकि ज़मीन से जुड़े कार्य में पहुँचे और तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वो जल्द से जल्द भर दे। अगर आपके पास भी ज़मीन के कागजात नहीं है तो जल्द से जल्द पेपर्स तैयार कर ले और जमीन सर्वे में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।